नानकपुरा के आयुष्मान चिकित्सा केंद्र में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जहां के SMO पर वहां काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को आयुष्मान चिकित्सा केंद्र के बाहर महिला कर्मचारी के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी की और महिला ने लिखित में एक पत्र भी कार्रवाई के लिए लिखा है, जिसमें डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की गई है। चलिए आपको दिखाते हैं अपने अपने पक्ष में कौन क्या कह रहा है। नाम है जी आपका? सिमरन। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो मेरे को 6:30 बजे फोन करके बुलाया गया कि 10 मिनट के लिए यार मेरे पास यहाँ पे आ जी, कि क्वार्टर में आ, रिपोर्ट चाहिए रिपोर्ट। और वही रिपोर्ट इन्होंने सवेरे के टाइम इन्होंने दे चुके थे वो रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट का कोई मतलब था नहीं है। पर बार बार मेरे को फोन करे, मेरे भाई को भी मैंने बुलाया, तो उसके बाद मेरे भाई को बोल रहा है, कह रहा है गुंडे बुलवा के तेरी क्या हैसियत है यहाँ पे, मैं गुंडे बुलवा के तुझे मरवा दूंगा मैं। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर सुखराज। कब की घटना है ये? शुक्रवार की। इस डॉक्टर ने ऐसा रवैया रखा तो हमारे पास जो 15-20 पंचायतों के लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं तो उनका क्या हाल होगा। और ये हॉस्पिटल सरकार का करोड़ों रुपए लग करके यहाँ ये बर्बाद कराने के ऊपर तुला हुआ है। कभी किसी बदमाश को बोलता है जाने के लिए, कभी किसी बदमाश को बोलता है, तो हमारे गाँव वालों की क्या इज्जत है। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं और यही वो करेंगे कि ऐसे गंदे डॉक्टर को यहाँ ना भेजा जाए, इसको तुरंत डिसमिस किया जाए, नहीं तो हम सेक्रेटरीट तक जाने के लिए तैयार हैं। 15-20 गांवों की पंचायतें जाएंगी और सेक्रेटरीट में जाकर के धरना देंगी CM के पास, अनिल विज के पास, क्योंकि हमारे साथ ऐसे ऐसी मिसबिहेव होती हो रही है। हमारे गांव का सरपंच भी अभी आया था, BDC मेंबर 5 पंचायतों का आया, जो वो भी आया था, उन्होंने इससे बात करनी चाहिए भी, ये क्या बात है। तो ये बोला जिस मर्जी मंत्री के पास चले जाओ आप, चाहे मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो मेरी सरकार से और पत्रकार भाइयों से यही प्रार्थना है कि ये सभी पत्रकारों को इसके डॉक्टर के रवैया के बारे में बताया जाए। और जो आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका? मैंने कुछ नहीं किया है सर। नाम क्या है सर आपका? डॉक्टर सुखराज सिंह। तो जो लड़की इल्जाम आपके ऊपर लगा रही है उसके बारे में क्या कहना है आपका? भाई मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं करा, ये सब बकवास है। तो आप इनके साथ बात क्यों नहीं करते? किससे बात नहीं करते? जो लड़की है। मैं तो सबसे बात करूँ, मैंने तो आप भाई यहाँ बैठे हो, सारा हॉस्पिटल खाली पड़े, इसका कारण क्या है? भाई खाली तो सरपंच ने करवाया, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, कारण होगा ना उसका, क्या पता दुनिया भर से जान के कारण होते रहे। तो ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।